सुपेला थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शास्त्री नगर कैंप वन निवासी आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी से लूटी गई रकम बरामद कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। सुपेला थाना पुलिस को नेशनल हाईवे में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लूट का शिकार हुए लक्ष्मीनगर सुपेला निवासी प्रार्थी कलीम खान ने 23 अक्टूबर को नेशनल हाईवे में अपने साथ 25,000 रुपये लूट का मामला थाने में दर्ज कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को घटना से अवगत कराकर सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी करी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी आशीष यादव के साक्षरता चौक कैंप एक में आने की सूचना पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी सन्नी बघेल, राहुल एवं छत्रपाल के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये दिनांक 23/10/2022 को की घटना है। प्रार्थी कलीम खान अपने दोस्त सलमान खान के साथ में स्कूटी से बिलाई 3 से वापस आ रहा था कि करीब 8:45 में सलानी बाबा मजार जी रोड हुंडई शोरूम के पास में सुपेला एरिया में 3-4 लड़के थे। आशीष यादव उसके साथ उसके साथी थे। ये लोग मिलकर रास्ता रोक कर मारपीट की। मारपीट करने के बाद पे उसके जेब में 25,000 रुपये रखे थे, ऐसा प्रार्थी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट और उसको 25,000 रुपये को छीन लिए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 394-34 का IPC का मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे पुलिस के द्वारा मुनासिब कार्रवाई करते हुए लगातार पता तलाश किया जा रहा था। आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें कल दिनांक को हमको आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर के आसपास में कहीं पर आकर लुक छिप कर रह रहा है। कि सूचना पर पुलिस के द्वारा रेड किया गया और आरोपी को अपने कब्जे में लिया। आरोपी के कब्जे से जो लूट की राशि है वो भी जब्त की गई है और आरोपी को धारा 394 IPC के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। इस पूरी कार्रवाई में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक लखेश गंगेश, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, प्रधान आरक्षक राकेश राय, आरक्षक जुनैद सिद्दीकी, विशाल सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।